Hello friends, I am HL Gupta. I am going to solve the question paper of CMA final SFM July 2023 new syllabus का questions है. ये question number 5A है. मेरा number है, phone number है आपका 9312. मेरा number है यहाँ पे 9312606737. अगर ये number आप save करेंगे और सेव करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम सेमीफाइनल, तो मैं ये आपका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसकी सॉल्यूशन का पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा. प्लीज आप एक क्वेश्चन देखिए 5A. ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन मिस्टर नबीन वांट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो इक्वली एज रिस्की एज द मार्केट. यहाँ पे एज रिस्की एज द मार्केट, तो इसमें क्या कर रहा है कि पोर्टफोलियो एज रिस्की एज द मार्केट. यहाँ पे रिस्क को जो रिप्रेजेंट किया गया है वो क्या चीज से रिप्रेजेंट किया गया है, बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है. तो बीटा आपको बीटा ऑफ मार्केट क्या होता है, 1 होता है. तो आपकी जितनी पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो की पूरी बीटा भी आपको कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. बिकॉज ऑफ इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन You should have a portfolio as risky as the market. As risky as the market means आपकी portfolio beta भी 1 होना चाहिए. Portfolio beta भी आपका 1 होना चाहिए. Having investment rupees 20 lakh. आपको investment कितनी करनी है, 20 lakh. इसका मतलब stock A, stock B, stock C, D में आपको टोटल आपके पास रुपीज कितनी होनी चाहिए, 20 लाख रुपीज होनी चाहिए. सबका एडिशन रुपीज 20 लाख होनी चाहिए. अब आप क्या करेंगे, सबका वेट निकालेंगे और इसका वेट आप मान लेंगे x. सपोज कीजिए मैंने इसका वेट मान लिया x. तो हमने आपको यहाँ पे वर्किंग नोट फर्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट. हर एक इन्वेस्टमेंट का वेट निकालना है. अब स्टॉक ए का निकालिएगा, स्टॉक बी का निकालेंगे आप, अब आप स्टॉक सी का निकालेंगे और डिबेंचर डी का निकालेंगे. आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 20 लाख है, इसमें 4 लाख 5 लाख है इसका, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, इसका वेट 0.20. 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, इसका वेट 0.25. स्टॉक सी का वेट मान लीजिए एक्स है. तो वेट का सम क्या होता है, सम ऑफ वेट्स 1 होता है. तो अगर सबको मालूम है तो यहां पे कितना होगा, 1 माइनस 0.25 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.45 माइनस एक्स, ये वाली आपकी वेट हो जाए, ठीक है, डिबेंचर डी का. अब आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो बीटा निकालना पड़ेगा. पोर्टफोलियो बीटा एज रिस्की एज मार्केट दैट इक्वल टू 1. पोर्टफोलियो बीटा एज रिस्की एज मार्केट दिस इज इक्वल टू 1. अब आप देखिए यहाँ पे इनकी बीटा 0.7 है और इनका बीटा 0.1.10 है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.7 इंटू 0.20, 1.10 इंटू 0.25. इनकी सी का बीटा कितनी है, 1.6 इंटू एक्स, 1.6 इंटू एक्स प्लस, भाई इनका बीटा कितना होगा, इनका बीटा जीरो है,
तो इनकी वेट कितनी है, 1 माइनस 0.45 माइनस एक्स इंटू आपको इनका जो भी है जीरो दैट इक्वल टू वन। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो वाला पॉइंट आप लोग देखिए, एक्स की वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। और 0.14 यहाँ पे 1.10 इंटू 0.2 1.10 इंटू 0.25 तो आपको क्या हो जाएगा 0.275 प्लस यहाँ पे 1.6 इक्वल टू वन। और 1.6x 1 माइनस 0.14 माइनस 0.275 तो कितना हो जाएगा, प्लस 0.14 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0.585, ये 0.585 और x इक्वल टू 0.585 होल डिवाइडेड बाई 1.6 डिवाइड 1.6 तो ये हो जाएगा 0.3656, ये 0.3656 हो जाएगा। ये जो आपने माना है ये स्टॉक सी का है, तो वेट ऑफ स्टॉक सी यहाँ पे कितना निकल गया, स्टॉक सी वेट 0.3656। तो डिबेंचर डिबेंचर डी वेट 1 माइनस क्या लिखा था यहाँ पे, 1 माइनस 0.45 माइनस एक्स 45 माइनस एक्स 1 माइनस 0.3656 माइनस 0.45 45 तो इसका जगह 0.184375 0.184375 ये वेट आ जाएगा इनका, वेट ऑफ डी। अब आपको क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करनी है, अब क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है। यहां पे क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डू यू रिकमेंड इंटरप्रेट द रिस्क सिनेरियोज एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑल द सिक्योरिटीज, आप सारे सिक्योरिटीज की आपका इन्वेस्टमेंट की अमाउंट निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट, अब आप स्टॉक किसका रखेंगे, पहले स्टॉक सी का रखेंगे और डिबेंचर डी का रखेंगे, डिबेंचर डी का। अब स्टॉक सी में हमारे पास कितना आ जाएगा, स्टॉक सी में आप देखेंगे हमारी 20 लाख है और इनकी वेट कितनी आई है 0.3656, रुपीज 20 लाख 0.3656 यहाँ पे रुपीज 20 लाख इंटू 0.184375 184375 तो यहाँ पे 20 लाख हो गया इंटू 0.3656 यहाँ पे रुपीज 731200 हो जाएगा, 731200 इंटू 0.18 4375 रुपीज 368750 तो ये इनका वेट आ जाएगा सी का और डी का, वही आपको निकालना था। आपको यहाँ पे क्या करना था, रिकमेंड करनी है और इंटरप्रेट करनी है रिजल्ट्स को,
किस में कितना इन्वेस्ट करेंगे उसकी रिकमेंडेशन करना है। आपको इंटरप्रेट द रिस्क सिनेरियो, द रिस्क सिनेरियो का मतलब आपका बीटा का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है, तो उसके बेसिस पे रिस्क सिनेरियो के बेसिस पे आपने वेट को कैलकुलेट किया। और इन्वेस्टमेंट एंड ऑल सिक्योरिटीज, सारे सिक्योरिटीज में कितना इन्वेस्ट करेंगे वो कैलकुलेट करनी है, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताया। क्लियर है? चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।